अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चलो भैया आगे, चलो भैया आगे, शुभ नाम है बेटा आपका? ऋषिका। किस मंदिर में आई है, क्या विशेषता है इस मंदिर की? मैं बिलावली मंदिर में आई हूँ। माना जाता है यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है, महाकाल का दूसरा स्वरूप पाया जाता है। क्या तिल तिल बढ़ता है शिवलिंग के बारे में आपको मालूम है?
है ना। और आज कितने श्रद्धालु देख रहे, कितने श्रद्धालु दर्शन करने आए यहाँ पे आप? सुबह मॉर्निंग से भी बहुत ज्यादा श्रद्धालु मिलते हैं और यहाँ पे कांवड़ यात्रा भी आती है, उसके बाद भी बहुत सारे श्रद्धालु आते। क्या शुभ नाम मैडम आपका? आरती ठाकुर। अरे किस मंदिर में आई, क्या विशेषता इस मंदिर की? समय से चला आ रहा है और यहाँ पे हर शिवरात्रि में एक तिल शिवलिंग बढ़ता है और यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पे श्रद्धा बहुत बढ़े जा रही है। महाशिवरात्रि का पर्व है, महाकालेश्वर मंदिर बिलावले में दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैद है, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? बिलावली मंदिर में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आज महाशिवरात्रि के पर्व पर व्यापक स्तर पर व्यवस्था लगाई गई है। इसमें हमारा ट्रैफिक प्रबंधन से लेकर दर्शन व्यवस्था तक और गर्भगृह दर्शन की व्यवस्था भी, कुल 5 स्थानों का लगभग 60 के आसपास पुलिसकर्मी अंदर और बाहर की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सर पवन पर्व है और आज लगातार यहाँ पे सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन करने आ रहे हैं लोगों, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आज भगवान का, महाकाल भगवान का एक विशेष त्यौहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि पर्व। इस दिन ऐसी मान्यता है कि दर्शन मात्र से ही भगवान मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अगर व्यक्ति ने अगर भगवान का दर्शन भी कर लिया, महाकाल भगवान का, शिव जी का, उसकी मनोकामना भगवान दर्शन मात्र से ही पूर्ण कर देते हैं। आज ये जो है भगवान का 9 दिवसीय विवाह उत्सव मनाया जाता है। 8 दिन पूरे होने के बाद आज महाशिवरात्रि में ऐसी मान्यता शास्त्रों में है कि आज के दिन भगवान का विवाह हुआ था। और ये जो महाकाल आप देख रहे हैं ये स्वयंभू महाकाल है, उज्जैन के ही भगवान स्वयं महाकाल की मान्यता मानी जाती है। पंडित जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है और मंदिर की क्या मान्यता है? ये जो प्रतिमा है शिवलिंग है, ये प्रतिवर्ष तिल बराबर बढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा भगवान महाकाल की भक्ति की गई थी और दर्शन करने के लिए व्यक्ति जाया करते थे, उन्होंने भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए और भगवान ने उनको आशीर्वाद में कहा कि जहाँ तुम निवास करते हो हम आपके लिए वहीं आ रहे हैं। तो महाकाल भगवान जहाँ आप स्थान देख रहे हैं, ये भगवान महाकाल विराजमान है, स्वयं वो है, किसी के बिठाए हुए नहीं है। अभी से जो है मान्यता है कि बराबर प्रतिवर्ष भगवान महाशिवरात्रि पे बढ़ते हैं। पंडित जी, पहले कितनी बड़ी मूर्ति थी और आज कितने? हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे दादाजी भगवान ये बताया करते थे हमको कि उन्होंने बहुत छोटी मूर्ति देखी। जब ये भगवान जो यहाँ पर भगवान का विग्रह उत्पन्न हुआ था उस समय बहुत छोटे रूप में, ऐसे बताता कि बहुत छोटे रूप में यहाँ पर एक श्रीफल के आकार में भगवान विराजमान थे। अब से तीन बराबर प्रतिवर्ष बढ़ते बढ़ते आज जो है स्वरूप भगवान ने ले लिया। पंडित जी, आपका नाम? मेरा पंडित कपिल शर्मा। धन्यवाद बेटे जी। वो देखने वाले बिलावली में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप भी दर्शन करने आए, कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शन करने आया हूँ न्यू देवास से, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं प्रशासन ने भी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की, लाखों की भीड़ में मतलब जनता आ रही है, काफ़ी जनता आ रही है। अरे ये कौन सा मंदिर है, कहाँ का मंदिर है? बिलावली मंदिर है, शिव मंदिर है बिलावली में, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए? आप भी यहाँ पे 1,00,000 पब्लिक क्रॉस कर गई है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम धीरज सिंह राजपूत। कितने वर्षों से इस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हो? मैं करीब 7 से 8 साल से आ रहा हूँ। ठीक, शिवरात्रि का पर्व और यहाँ पे लगातार दर्शन करने श्रद्धालु आ रहे हैं, आप भी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, कितने साल से दर्शन करने आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के महाशिवरात्रि के पावन पर्व में बाबा महाकाल की नगरी बिलावली में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आए हैं। मैं वार्ड पार्षद के ऐसे से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और जनता लाखों की संख्या के आने के बाद में सरलता और सुलभता के साथ उनके दर्शन हो रहे हैं, इसकी हमने चिंता पाली थी। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजमाता जी और महापौर जी के निर्देश अनुसार हमने नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDM सबकी बैठक करके उनके जिम्मेदार विभाग जिम्मेदारी दी थी और प्रभारी को निर्देशित किया था किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। अब देखिए, इतनी संख्या में दर्शन करने आने के बाद भी कोई अव्यवस्था नहीं और बाबा के बहुत भव्य रूप के दर्शन लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, आपका नाम? जितेन मकवाना, वार्ड पार्षद बिलावली।